पंजाब कांग्रेस में मची कलह तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही, और ये विवाद सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद और भी ज्यादा पड़ गया है। इसके चलते सिद्धू और कैप्टन के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने को तैयार नहीं है। इस बारे में सिद्धू कैंप की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कैप्टन से मिलने का समय मांगा है। इसके तुरंत बाद कैप्टन अमरिंदर की ओर से कहा गया कि सिद्धू ने उनसे कोई समय नहीं मांगा है, उनके सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बिना मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं। इसी के साथ सीएम कैप्टन ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि सिद्धू ने उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है। कैप्टन इसी बात पर अड़े हैं कि सिद्धू सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, उसके बाद ही वे सिद्धू से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू के विधायकों, मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा भी काफी एक्टिव हो गया है। एक फिर राज्य के तीन वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, ओपी सोनी और विजय इंदर सिंगला ने सीएम से मुलाकात की। इसी के साथ ही कैप्टन आज राज्य के कांग्रेस सांसदों को लंच भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम कैप्टन के सिद्धू से माफी मांगने के स्टैंड का उनके करीबी मंत्रियों और नेताओं ने भी समर्थन किया है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।